हेलो दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको लेके आया हूँ हमारे पहाड़ में, जिसका नाम है मलसोना, जो कि उत्तराखंड में है। सो गाइस, ये हमारा एक घर बन रहा है। जो घर हमारा पहले था, जैसे आपको पता होगा पहाड़ों में जैसे घर होता था, वो घर को हमने अच्छे से तोड़ के हमने ये घर को एक काफ़ी अच्छा रूप दिया है। और इस घर का सारा श्रेय मेरे पापा को जाता है, जिन्होंने यहाँ पे 3 महीने रह के और इन्होंने बहुत अच्छा आर्किटेक्ट डिज़ाइन मेरे पापा ने किया है। मैं खुद हैरान था कि मतलब पापा ने इतना अच्छा एक रूप दिया है घर को, और हर जगह से पापा ने एक वेंटिलेशन रखा हुआ है घर पे, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा। सो ये अभी हम आगे जा रहे हैं, और आगे भी रूम है, इसके ऊपर भी रूम है। तो यहाँ पे अभी मम्मी ने अपना सामान वामान रख दिया अभी, और इसके बाद हम जा रहे हैं अदर रूम में। ये हमारा एक और रूम है जो ये बंद है अभी, सामान रखा हुआ। तो गाइस, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा कि कैसे कैसा ये बन रहा है। अभी ये भी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का भी एक फ्लोर है जिस फ्लोर पे भी रूम्स हैं। बस मेरे को डर ये था कि प्रियंका आ रही है, उसने साड़ी पहन रखी है, और हर एक सपोर्ट पे उन्होंने वहाँ पे लकड़ियाँ लगा रखी हैं ताकि दीवार नीचे गिरे ना। तो मेरे को डर यही था कि कहीं से लकड़ी ना गिर जाए, बट सब कुछ प्रियंका को अच्छा लगा, रूम भी काफ़ी अच्छे लगे, हर जगह से वेंटिलेशन है। और सबसे बड़ी बात, पापा ने जो यहाँ पे ध्यान दिया है कि हर रूम में वेंटिलेशन है, हर रूम में रोशनी है, आपको लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो प्रियंका को काफ़ी अच्छे लगे रूम्स, और काफ़ी बड़े बड़े रूम्स पापा ने डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे मेन जो चीज़ थी वो यहाँ आती है कि यहाँ पर हमारा एक गार्डन बनेगा, और बहुत जल्द ये रेडी होगा गाइज। सो मैं आपको दिखाऊंगा। और ऊपर भी एक और फ्लोर है, बट वो अभी बंद था इसलिए दिखा नहीं पाया। थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए।